तलवारों पे सर वार दिए और जिस्म में खून समाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। जमी महबूब मेरी तेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। जमी महबूब मेरी मेरे नस नस में तेरा खून बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे नदियों में बह जावा गुल बन के मैं लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं मौजूद हूँ श्रीरामपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो के उठ के आ गए ना सारे लोग, क्या बना चाहे हो? 4 बजे के बाद ही उठती है जनता यहाँ की, क्या बना चाहे हो? भलो अच्छी। की नाम अच्छे? रूपा पात्रो। रूपा पात्रो, तो क्या कुछ कैमरा कुछ कहना है आपको? बोलते बार कुछ। जय श्री राम। जितना इस नारे को मैंने अयोध्या में नहीं सुना, उत्तर प्रदेश में नहीं सुना, उससे ज्यादा बार मैंने यहाँ सुन लिया। जी आपका नाम साहब? संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार, कुछ चुनाव न लड़ रहे हैं क्या आप? हाँ जी, चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। कहाँ से? श्रीरामपुर विधानसभा से। कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट। अच्छा, आप निर्दलीय हैं, तो वहाँ क्यों खड़े? अंदर आ जाइए, आइए आइए आइए, आपका भी स्वागत है। आइए जनाब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए आ जाइए, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए बैठिए, कुर्सी आपको देते हैं, बैठिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आ जाए तो मना थोड़ी ना करते हैं, चुनाव सबको लड़ना है। आप भी, आपको भी लड़ना है? अगले साल मैं लड़ूंगा। खड़े होइए जना, घर में भी ऐसे ही चलते हैं? नहीं नहीं, चुनाव लड़ने की तो क्या क्या निशानी है कि ऐसे ही चला जाए? कोई बात नहीं है। तो घर में भी ऐसे ही तने रहते हैं? घर में तो आप चूहा बने रहते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। घर में भी शेर रहते हैं? नहीं नहीं, घर में भी मैं शेर ही रहता हूँ। अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सरबंद कुमार ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के रहने वाले। बिहार में कहाँ से? छपरा डिस्ट्रिक्ट। अरे छपरा डिस्ट्रिक्ट है, गजब है, बस यही तो दिक्कत है, छपरा डिस्ट्रिक्ट है। वाह भाई ठाकुर साहब, तो कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। हाँ। इस बार पश्चिम बंगाल में पूरे जनता मन बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। हमारे श्रीरामपुर से कबीर शंकर बसु जी जीत रहे हैं और यह जीतते रहेंगे। अच्छा, अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्या होना है। दादा कैमन आचो? भालो अच्छी दादा। भालो की चल चे इखने? हमें तो आसाम में था कि इखने था कि ना तो। हाँ जी, आसाम में रहता हूँ। आसाम में रहते हैं, तो बस आसाम चलने ही वाले हैं हम भी, एक दो दिन में वहाँ पहुँच ही जाएंगे। तो क्या चल रहा है इधर, इधर क्या चल रहा है? वोट कहाँ, उधर है या इधर है? उधर है। उधर है, उधर का क्या हिसाब किताब? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ बीजेपी, आ रहा हूँ बीजेपी, आ रहा हूँ। चल रहा है उधर बीजेपी चल रहा है? अच्छा, रुको 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 रुको, क्या नाम है साहब आपका? सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा जी, नाम तो बहुत अच्छा। क्या नाम है? सुभाष चंद्रा, बड़ा अच्छा नाम है आपका। क्या काम करते हैं साहब आप? मैं टीचिंग का काम करता हूँ, पढ़ाने का। जी तो क्लास में तो संभाल लेते हैं ना बच्चों बच्चों को? बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेता हूँ। कि वहाँ पे भी ऐसे ही बोलने लगते जैसे यहाँ बोल रहे थे आप? बच्चों को संभाल लेते हैं ना, तो कौन से हा? मोदी जी का नाम सुन के भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए रियली में बहुत बड़ा काम किया है। तो माने या ना माने, मैं मानता हूँ दिल से उन्होंने बहुत। हाँ
जनता से घबरा गए क्या? नहीं, हमने तो बंगाल की जनता से जितना हम प्रेम करते दादा उतना तो शायद कोई करता हो। इतनी बढ़िया जनता बंगाल की और इतनी मीठी, मतलब मुझे कहीं कहीं तो बोलना पड़ता है कि चुप हो जाओ, यहाँ तो कहना ही नहीं पड़ता चुप हो जाते हैं, इतना प्यार है जनता। अब ना बोलना, ले जाएंगे अब किसे दिल्ली तुमको। भारत माता की जय। हाँ तो आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि रियली में उन्होंने, जहाँ तक मैंने होश संभाला है, जो एक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने भारत के लिए देखा है जो रियली भारत के लिए काम कर रहा है। स्वच्छ अभियान जब उन्होंने छेड़ा था, मैं सोचा था ये छोटी सी सफाई करेंगे भारत की, लेकिन देखते देखते अब ये लग रहा है कि हर चीज में हर क्षेत्र में सफाई करने जा रहे हैं और राजनीति में भी सफाई करने जा रहे हैं। ऐसी कि अब अच्छे अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं उनको मार्गदर्शन देख करके। क्या बात है, बहुत अच्छा सर। टीचर जी टीचर हैं, उन्होंने अपनी बात कही, दिल की बात कही और सबको अपने दिल की बात कहने का पूरा अख्तियार है। जो मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे जरूर तारुफ कराऊंगा आपका, जो पर्चे पे लिख के मेरे पास आया है। विजय मिश्रा जी तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कुछ देर में मुझे बताया गया कि वो आ जाएंगे, विजय मिश्रा जी का स्वागत रहेगा। पार्थो मुखर्जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। दादा हमारे साथ वैसे भी स्टूडियोज के डिबेट में शरीक होते रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। थैंक यू सो मच दादा फॉर कमिंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कबीर शंकर बोस साहब जो हैं यहाँ पे कैंडिडेट भी हैं बीजेपी के और हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आराम से कबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंडिपेंडेंट एक यहाँ पे उम्मीदवार है जो अभी आए थोड़ी देर पहले, मैं आपका नाम भी जानना चाहता हूँ। संतोष कुमार सिंह जी। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं जनता की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं जी, जो यहां पे मौजूद है। क्या नाम है बेटा? अंकित कुमार सिंह जी खड़े हो तो कुछ बताओ यहां के बारे में, शहर के बारे में, अपने बारे में कुछ बातचीत। हवा पानी यहां का क्या है? यहां का पानी तो ठीक है, भारतीय जनता पानी ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर और आगे? भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने वाला है पूरा पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने वाला पश्चिम बंगाल में? हाँ। अच्छा हाँ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ हाँ ठीक है, खड़े हो जरा, बैठा ले तुमको कुर्सी में बीच वाली। नहीं यही ठीक है। नहीं वहाँ हल्ला नहीं मचा पाओगे। नहीं नहीं यही ठीक है, यहाँ तो तुम इतना हल्ला मचा रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? संटू साहू। कौन साहू? संटू साहू। संटू अजी, पश्चिम बंगाल में जो डाक नाम हो ना, जो घर के बुलाने वाले नाम, वो साउंड पर होते हैं और बड़े अच्छे होते हैं। हालांकि संटू नाम जो है वो उत्तर भारत में भी मिल जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में साउंड पर बड़े नाम होते हैं और वो डाक नाम बोले है ना कि संटू, और वैसे भी नाम संटू ही है, हरकतें भी संटू वाली है तुम्हारी। बहुत हल्ला मचाते हो, अब हल्ला तो नहीं मचाओगे? बोलो क्या काम करते हो? मेरा बिजनेस है। काहे का? कच्चा सब्जी का है? कच्चा सब्जी का। कच्चा सब्जी मतलब पक्का सब्जी का भी कोई धंधा होता क्या? कच्चा सब्जी मतलब आलू बैंगन यही सब है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज खुली है दुकान या बंद है? नहीं आज सुबह खुली थी, अभी बंद है। अभी बंद है तो मतलब यही काम चल रहा है, बस इसी में चल रहे लगे हो। क्या करेंगे, बंगाल में कोई कल कारखाना नहीं है, कोई उन्नति नहीं है, काम नहीं है, क्या करेंगे? अजी एक समय जो ये इलाका है उसमें जूट मिल, कॉटन मिल हुआ करती थी, मुझे नहीं मालूम अब इसमें क्या स्थिति है। जनाब यहीं के रहने वाले हैं, क्या स्थिति है कॉटन मिल और जूट मिल की? ज्यादा से ज्यादा बंद है। दोनों सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों भी कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। अभी इसलिए बंद है सब। आपका नाम? राणा भौमिक। बांग्ला बोलो ना आपने तो स्थिति समस्त जूट एवं कॉटन मिल गुलो बंद हो जाते। कॉटन मिल और जूट मिल जो यहाँ पे थी उसकी पहचान थी वो, मैं आ रहा हूँ आपको, आपके पास आऊंगा। आप तो अगली बार चुनाव लड़ेंगे ना? नहीं, इस बार मैं बताऊंगा जूट मिल। अच्छा इस बार बताएंगे, अगली बार चुनाव लड़ेंगे। ठीक है ठाकुर साहब बैठिए, अभी मैं आऊंगा अगली बार जब आप चुनाव लड़ेंगे। जी नमस्ते, कहाँ से आ रहे हैं? आइए मेरे पास आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं? पंचायत से। पंचायत से? सब ठीक है? नहीं कैसे ठीक होगा, परेशान से लग रहे हैं कुछ। परेशान है ना, क्या हुआ? नौकरी नहीं है, बेकार समस्या ज्यादा है हम लोगों का। वहाँ पे जो जमीन है जरूरी, जमीन हड़प ले रहा है। कौन हड़प लेता है? तृणमूल वाले हड़प ले रहा है। हाँ तृणमूल वाले गए कहाँ भाई? पाजी अब ना 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 ना
वहाँ पे पंचायत सदस्य कम है मगर जमीन हड़पने वाला ज्यादा हो गया। चलिए आने दीजिए विजय जी को, आने दीजिए तो बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप मुझे हिंदू धर्म सिखा रहे हैं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूं और मुझे मालूम है हिंदू धर्म क्या होता है। मेरे लिए सभी धर्म और जाति के लोग समान हैं, बराबर हैं, मैं भेदभाव नहीं करती। बीजेपी वाले बताएंगे वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। जी मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा और आपकी बारी पहले, देन कांग्रेस, फिर इंडिपेंडेंट। टीएमसी जब आ जाएगी तो दे विल ज्वाइन। रुको भाई रुको, ये ममता दी सिर्फ विभ्रांत करने वाली बात करती है। ममता दी हिंदू धर्म के अगर है, चंडी पाठ क्यों गलत करती है, सरस्वती माँ का वंदना क्यों गलत करती है, ये क्यों बोलती है कि मेरे पास 30% फिक्स डिपॉजिट वोट है, क्या किसको इंगित करके ये बोल रही है? ये टीएमसी से पूछा जाए, ममता दी से पूछा जाए। ये जो अभी कर रहा है क्योंकि वोट आ चुका है, अब वो समझ रही है कि वो वोट हार रही है। वो अनाउंस कर दिए थी कि सब जो इमाम है सब उनको पैसा दिया जाएगा, ऐसा करके वो तुष्टीकरण कर रही थी। ममता दी कहती हैं कि आप सब कुछ तो बेच रहे हैं। अरे खराब ने बैठने नहीं कहा आपको, उन्होंने कहा आप सब कुछ तो बेच रहे हैं और जब सब कुछ बेच रहे हैं तो ऐसे में बेचते हुए मैं सोनार बांग्ला कैमन हचे कैमन होवे। ममता दी तो बंगाल को बेच दी है, तृणमूल सरकार तो बंगाल को बेच दी है। ममता दी खुद कहती है कटवनी वापस दो, इसके बाद और क्या कहने में रह गया है। जी मैं बिल्कुल आधा कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं बोलना चाहता हूँ। जी खड़े होके उन्होंने कहा एक बात और, उन्होंने कहा कि आप सीपीएम या कांग्रेस को वोट देते हैं तो अपना वोट खराब करते हैं, क्योंकि बाहर के कुछ लोग आ गए हैं जो सौदागर भी हैं। यानी वो तो सौदागर वाली बात तो पार्टी किसी और को बोला उन्होंने, लेकिन आपकी पार्टी के लिए तो उन्होंने यही कहा। देखिए पहले बात यह है कि हम श्रीरामपुर के बारे में एक दो शब्द कह दूं। जी बिल्कुल स्वागत है। सिर्फ हिंदुस्तान का पहला जूट मिल इधर नहीं बना, हिंदुस्तान का एजुकेशन का जो सिलसिला वो श्रीरामपुर से शुरू हुआ। पहला हिंदुस्तान का कॉलेज, पहला यूनिवर्सिटी, पहला प्रिंटिंग, पहला प्रिंटेड किताब, पहला हिकिस गैजेट न्यूज़पेपर वो श्रीरामपुर से हुआ हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट एशिया का बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है साहब। यस बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ। अच्छा अभी दूसरा जो बात है कि जो पॉलिटिक्स का जो बात आप कह रहे हैं वो भी बड़ी हिस्टोरिकल है यहाँ पे है तो। हाँ। है तो बात है कि पहले बार जो देखने में आ रहा है बंगाल में इलेक्शन में धर्म का बात आ रहा है, पहले कभी धर्म नहीं होता था। क्योंकि समस्या खड़ी हो गई कि तृणमूल कांग्रेस जो सोच रही है कि जो 30% मुस्लिम वोट है वो 30% हमको फिक्स डिपॉजिट का हिसाब में लाना है, इसीलिए उन्होंने क्या किया बीजेपी को खड़ा किया। कांग्रेस और सीपीएम जो परंपरागत जो पार्टियां है वेस्ट बंगाल में जिसको जनाधार एक टाइम में था, परंपरागत जो दल है उसका जो उनके लिए जो समस्या होता है वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन बीजेपी का अपना जनाधार नहीं है। आज बाम फ्रंट का जो वोट है वो बीजेपी के तरफ आया है, इसीलिए बीजेपी 14% से 40% उठ गया। इसीलिए उनको कहना है कि हमारा प्रतिपक्ष बीजेपी है। और ये तब हो रहा है जब सीपीएम का कैडर होता, कैडर बेस पार्टी है, तब चला गया उधर। हाँ क्योंकि आपका देखिए झूठा पुलिस के हमारा जैसा 3-4 जो एमएलएज है उसको प्राइम एक्यूज बना दिया था मर्डर केस में, जब वो लोग जब चेंज करने का जब ये बनाया तो वो सब उठा लिया। बाजी बड़ी जबरदस्त राजनीति है, कुछ आप बोल रहे थे। जी जनाब कैसे हैं आप? बढ़िया है। कहाँ रहते हैं? जी श्रीरामपुर में। जी बोलिए कुछ कहना चाहते हैं। जी प्रतीक जी, जी और प्राजी। हाँ न्यूज 18 का श्रीरामपुर शहर में स्वागत है। जी श्रीरामपुर शहर जैसे पार्थो जी ने कहा यहाँ पर भारत का तीसरा सबसे पुराना कॉलेज श्रीरामपुर कॉलेज है, मैं उसका एक एलुमनी हूँ। वाह क्या बात है। पहला जो था वो एससी में कोटायम में पहला कॉलेज है। हाँ। एक यहाँ की और खासियत है कि हमारे यहाँ पर जो रथ यात्रा पूजा होती है। हाँ। वो 750 साल पुरानी है। जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी के बाद भारतवर्ष में सबसे बड़ी रथ यात्रा महेश की होती है। क्या बात है, बहुत 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 स्वागत है आपका, बड़ा ऐतिहासिक जगह है आपकी। भैया जी एक बात और कहनी थी। जी आपने जैसे वो भाई साहब को कहा कि गलत शब्दों का चयन नहीं होना चाहिए। हाँ। ऐसा है कि आप चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, जैसा आपको सोचना है, जो जैसा काम किया है आगे भी अच्छा काम करें, किसी के लिए गलत शब्द का व्यवहार ना करें, किसी को भी गाली गलौज ना दें, अपनी बात तर्क से रखें। और सभी आप तो मेरे स्कूल के हैं, लगता है आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मेरे स्कूल वाले हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही चलता है सर, आपको अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात, अच्छा ना लगे तो और अच्छी बात, लेकिन मैं जो
गलत है वो गलत है। आज तुम्हें दो बार गाना गाना पड़ेगा, कोई तैयार है तुम्हारा गाना? क्या कौन सा गाना तैयार है? आज देशभक्ति की इतनी सारी अच्छी बात, अच्छा तो सुनाना दादा। कैमरा नाचो, नाराज आचो की तो खड़े हो हलो ना एकदम तो केवल मतलब कुछ बोल बोल नहीं रहे हैं आप आज, कुछ गुस्सा गुस्सा सा लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, क्या नाम हो गया आपका? नाम असित कुमार शाह। असित कुमार शाह, असित कुमार शाह तो कुछ बोलो। हाँ बोल ची बोलो। अरे अरे की, अरे बोलो क्या बोलेगा बोलो। अरे जो मना है वो बोलो, क्या बोलेगा बोलो। अरे दादा बोलो कुछ, बोलो दादा बोलो। हाँ बोलो बांग्ला रहा। अरे बांग्ला तो जानो ना, कि बांग्ला ही ना जानो? जानो ना बांग्ला तो, हिंदी थोड़े ना, हिंदी तो बांग्ला बोलो। बोलो तो दादा, ये तृणमूल जमाना एकदम बहुत बाजे बाजे, बस यही याद आया इतनी देर में आपके। अरे आ गया मैं, आ गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भरत है। भरत कैसे हैं आप भरत जी? मैं अच्छा हूँ। आप और कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, श्रीरामपुर में रहते हैं। जी श्रीरामपुर में ही रहता हूँ। क्या काम करते हैं साहब? सर अभी मैं प्राइवेट ट्यूटर हूँ। प्राइवेट ट्यूटर हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन से क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर मैं HS के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। HS हायर सेकेंडरी के? हायर सेकेंडरी को। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या कोई एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट? सर आर्ट्स ग्रुप पढ़ाते हैं। आर्ट्स को पढ़ाते हैं जी। अच्छा ये आपके साथ हैं, सहयोगी हैं? जी जी जी। तो वीडियो बना के डालेंगे? जी जी। फेसबुक में डालेंगे? कहाँ डालेंगे? जी जी जी। सवाल पूछा तो डालेंगे कहाँ इसको जो बना रहे हैं? हाँ समझ गया था, चल सवाल पूछिए। मेरा सवाल है TMC के जो है, पता आए कि नहीं आए? विजय जी आ गए, विजय जी आ गए। अरे विजय जी कहाँ रह गए थे भाई? आजकल बड़ा जो घूमते घामते रह गए तो नाम ही बुलाता रहे। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, कैसा चल रहा है प्रचार आपका? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, दो चार सवाल इन लोगों ने दाग दिए, मैंने अभी तक रोके रहा। हमने कहा जब तक नहीं आ जाए विजय जी, TMC वाला जब आ जाए तब सवाल पूछो। ऐसे क्या पीछे पीट भी जाए? कुछ नहीं, हमारे इसमें एक चीज है भैया जी, मैं तराजू लेके चलता हूँ हाथ में, जब आ जाए तो पूछो। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, तभी हो सकता है। अब वो सवाल पूछे, तैयार रहिएगा जी। हाँ पूछो भाई जी। जी मेरा सवाल विजय जी से है। हाँ। बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं विजय जी। हाँ। उनसे मेरा सवाल ये है कि 10 साल तक तृणमूल कांग्रेस जो है, सामान्य व्यक्ति है मतलब, सामान्य व्यक्ति, सामान्य है। हाँ। बहुत ही सामान्य व्यक्ति, उनका मैं बहुत आदर करता हूँ। मेरा उनसे यही सवाल है कि 10 साल तक तृणमूल कांग्रेस जो है राज्य में सत्ता में रही है, तो अभी मैंने मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना, कल उन्होंने कहा कि दोबारा से अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो 5 लाख नौकरियां हर वर्ष देगी। तो मेरा सवाल यह है कि 10 साल तक TMC की सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है? क्योंकि मैं युवा हूं तो मेरा यही सवाल है कि कितने युवाओं को रोजगार दिया है, और उनको आज ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आज सत्ता के बाद उन्हें दोबारा सत्ता में आने के बाद उन्हें फिर से हर युवाओं को 5 लाख रोजगार हर साल दिया जाएगा? पहले विजय जी पूछ लें, फिर उसके बाद हम तुमसे भी एक सवाल पूछेंगे। आज हमारा मन कर गया, पूछ ले। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 25 साल। और 2014 में क्या उम्र थी तुम्हारी? 6 साल कम कर लो, 25 में कितने हो गए कम? तो 19 ना, सोच समझ तो रही होगी ना। ठीक है, सवाल तो तुम समझ गए बेटा मैं क्या पूछने वाला हूँ तुमसे जी। है क्या कर रहे हो? हाँ जी विजय जी। हाँ एक हाँ, क्या किसके ऊपर? वो तो हम लोग भी पूछेंगे ना। हाँ पूछेंगे ना। हाँ धीरे धीरे 2 करोड़ करके। एकमात्र पश्चिम बंगाल ये ऐसा सरकार है जहाँ हाँ। की नेत्री ममता बंदोपाध्याय है हाँ। जो 67 प्रकल्पों के माध्यम से बंगाल में रहने वाले तमाम लोगों को सुजोग और सुविधाएं देती है। यहाँ जो है कोई किसी का देहांत हो जाता है 2000 रुपया उसके दाह संस्कार के लिए, किसी की बच्ची की भी शादी हो चाहे वह किसी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए दीदी मजबूर हो गई बोलने में, कट मनी वापस दो, जो भी पैसा आता है कट मनी चला जाता है TMC के पास। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ टेले से ना विजय जी को सुनना तो पड़ेगा। कैंडिडेट क्या कहेंगे जो चुनाव के बाद फिर सिंगापुर चले जाएंगे? उनकी बात वो क्या कहेंगे जो 2 तारीख के बाद सिंगापुर चले जाएंगे? वो क्या कहेंगे? एक भी सुनिए रिसड़ा में, एक सुनिए, एक भी BJP का ऐसा आदमी हो जो बोल दे कि उसकी बच्ची को साइकिल नहीं मिला, उसकी बच्ची के पढ़ाई में पैसा नहीं मिला, एक भी बच्ची
शिकायत है कि उसको निःशुल्क राशन नहीं मिलता है। ये लोग क्या बात करेंगे? दो करोड़ नौकरी कहाँ गया? 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? बड़ा बड़ा बात करते हैं झूठ के पुलिंदा। 2 करोड़ नौकरी वाले कहाँ गया? क्या बात है पाजी, क्या बात है, क्या बात है। मुझे देख क्या हुआ, विजय जी ने बोलना शुरू किया और सारे के सारे लोग जगह नहीं, 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 दादा पोषण आपने पोषण ना विजय जी ऑफकोर्स अभी तक नहीं बोल रहे ना ये सब, क्योंकि यह इनकी कल्चर है, समझे कि नहीं। ममता दी जब राम नाम सुनती है ममता दी चले जाती है, बोलती है गाली है। तो जो यहाँ प्रतिनिधि है टीएमसी के, विधायक है, सांसद है, श्रीरामपुर के है, हर बार जब श्रीरामपुर बोलना पड़ता है, प्रभु श्री राम का नाम लेना पड़ता है, वो भाग जाइए ना यहाँ से। आया देखिए टीएमसी बहुत सारे श्री 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 बोल के स्कीम गिनाते हैं कि ये किया वो किया ये का, सोच लीजिए कि हाँ ये सब ठीक है, हम सब यो सब श्री 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 ले लिया। मेरा उम्र अभी 22-23 साल हो गया, हमको 70 साल तक जीना है, 47-48 साल जो आगे जो आने वाला है उस टाइम हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या स्कीम है, वो है उद्योग। वो उद्योग बंगाल में नहीं है, क्योंकि उद्योग बंद करके ये लोग आए थे और उल्टा जो होता है वो उल्टा श्री मूल लोग क्रिएट नहीं कर सके, वही चल रहा है 2011 सिंगूर और नंदीग्राम में, वो लोग जो बंद किया था उसका उल्टा नैरेटिव्स नहीं बना पाए, इसीलिए उद्योग आज नहीं है। 22-23 साल तक हमको सब मिलेगा, उसके बाद हम क्या खाएंगे? 2010 और 2011 वाला जिन्होंने देखो 2010 और 2011 में जिन्होंने नैरेटिव बनाया उनके साथ तो चुनाव, खैर दादा आप लड़ रहे हैं वो बात आप बताएंगे, लेकिन हाँ विजय जी जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके शासनकाल में 56,000 कारखाने बंद हो गए, हम लोगों ने 8,365 से हमारी सरकार ने 10 वर्ष में जो है लगभग 10,000 कारखाने बनाए, 10,000 है मुझे है मेरे पास। पहले श्रीरामपुर जूट मिल का खोलने का व्यवस्था कीजिए, उसके बाद 10 साल में ना पांच साल में आप क्या किए ना किए नहीं जानते। श्रीरामपुर जूट मिल बंद हो चुका है, प्लस रुकी बताते हैं, प्लस हमारे जो मधुरा कोर्स है वो तो एक हड़िया में जैसे देखते हैं 1 किलो चावल का हड़िया है, उसमें अगर 2 किलो चावल डाल दिया जाता है तो हड़िया का चावल क्या होता है, निकल जाता है। वैसे ही हमारे जो मधुरा कोर्स है उसमें 100 का वैकेंसी था, तो टीएमसी वालों ने उसमें क्या बोले 500 का वैकेंसी दे दिया, तो टीम मतलब मिल वाले कैसे, हाँ फटेगा ही। उसीलिए बताते हैं दादा जो बता रहे हैं कि 10 साल में इतना मिल कारखाना खोले, हम उसीलिए बताना चाहते हैं कि श्रीरामपुर पहले श्रीरामपुर जूट मिल खोल के दिखाए, उसके बाद कोई बात करे। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि देखिए उत्तर प्रदेश बिहार और जो भी अन्य राज्य के लोग हैं, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, अन्य राज्यों में है, गुजरात में है, वो लोग उनके पैर के छाले जब वो घर वापसी हो रही थी कोरोना के समय, उनको कोई सरकार देखने वाली नहीं थी, लेकिन बंगाल से एक भी हिंदी भाषी बिहार नहीं गया, बंगाल से एक भी हिंदी भाषी बिहार नहीं गया, हमारी सरकार ने उनको हर तरह की सुविधा दी, आज भी निःशुल्क राशन दे रही है हमारी सरकार दे रही है, ये क्या बात जी। अब हमें आ रहा हूँ भारत सरकार, मैं आ रहा हूँ भारत सरकार में, आ गया। क्या नाम है, तैयार करो तुम। हाँ जी, क्या नाम? अमित चौधरी। अमित चौधरी जी, वो की बोलते पर विजय जी ने बोला हाँ जे ये मार्कशीट निकाला तृणमूल ने, जे वो 10 साल में 1200 कल कारखाना किया है, हमारा 294 विधानसभा है, एक एक विधानसभा में 4 कल कारखाना होना चाहिए। ये विजय जी से हम पूछते टीएमसी से, हाँ नया 4 ये 10 साल में श्रीरामपुर में क्या कारखाना बनाए हमको दिखाइए विजय जी, हम दिखने चाहते हैं, यही प्रश्न है। बिल्कुल, आप ये बताइए कि आपने क्या क्या कहाँ कौन कौन सा कारखाना खोला। दादा ऐसे के जो तो दड़ाओ आसी एक टू भाग तो Thank you.
आप तो वही है, 20 रुपए वाले ना, 20 रुपए वाले हैं ना आप तो, 20 रुपए वाले ना, तो खड़े रहो जरा 20 रुपए वाले। दादा हम आसची आसची दड़ाओ दड़ाओ, एक टू एक टू टू गाना, थोड़ा सा गान छोटा सा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं ऐतबार करूं, मैं इंतजार करूं, मैं तुमसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे ऐतबार करूं। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल पर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। कभी जबर से पानी तो मैं बेचूं उसमें छतरी, मिलते ही देखो मिल गई जनता अपनी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े खिलाड़ी है थोड़े अनाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। जितनी हमको समझोगे उतनी होगी हैरानी, थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी बेईमानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में। मैं कोशिश करूंगा आपसे सारे लोगों से बात करूं, मैंने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनसे अभी बात नहीं करी है, बाकी सारे लोगों से बात करी। उनके करने के बाद डिबेट ओपन है, आप लोगों के बीच में मैं आ जाऊंगा। आपके जो सवाल हैं अब आप बेधड़क पूछ सकते हैं, लेकिन आपको भी हम टाइम देते हैं, आपका टाइम। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं संतोष कुमार सिंह आपके चैनल को अपने तरफ से धन्यवाद और श्रीरामपुर के सभी विधानसभा के नागरिकों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर। मैं पूछना चाहता हूं कि सीपीएम और कांग्रेस जो यहां जोट करके लड़ रही है, मैं बारी बारी से तीनों आदमी पे आ रहा हूं, और इन्होंने सबसे पहले आजादी अपने हाथ में लिया कांग्रेस ने, और आज उनका समर्थन सीपीएम कर रही है, समर्थित है। इन लोगों ने श्रीरामपुर विधानसभा के लिए क्या किया? कौन सा जूट मिल खुलवा दिया? कौन सा पर्यटक स्थल घोषित करवा दिया? ये फर्स्ट पॉइंट है जो सभी लोग डिस्कस किए थे। सेकंड में तृणमूल कांग्रेस की बात आती है, तो 10 साल में दीदी ने श्रीरामपुर विधानसभा में उनके जो एमएलए साहब हैं डॉक्टर बाबू, एक चिकित्सक, हमारे क्षेत्र के 10 से 15 साल तक यहां समाज की सेवा किया है, लेकिन उन्होंने किया क्या? सुनिए, उनसे एक सेवा सदन नहीं खुला, उनसे एक मातृ सदन की व्यवस्था नहीं हुई। जब चिकित्सा की व्यवस्था एक चिकित्सक नहीं कर सकता है तो और आम जनता की क्या सेवा कर सकता है, ये हमको बताइए। टीएमसी की सरकार क्या कर रही है वो तो सारा दुनिया जान रहा, तो सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। टीएमसी का काम है, ये कह रही है कि बीजेपी बेच रही है, टीएमसी भी यहां सारी जमीनें जो है मंदिर मस्जिद मकबरा बनाने के बहाने सब बेच रही है, और जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इनका 3 इंची का रोड ढलाई होता है और 10 इंची का पैसा लिया जाता है, उसके बाद 3 इंची रोड ढलाई होगी, 3 इंची रोड ढलाई होगी और 10 समझे कि नहीं वो समझे। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसके लिए हमारे सभी भाई नवयुवक आगे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नरेंद्र मोदी रेस्पेक्टेबल है, उन्होंने देश के लिए लड़ा, देश में बेहतर काम किया, अच्छी बात है। श्रीरामपुर के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने अगर 2 साल 4 साल 5 साल से हैं और इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, एक भी मुद्दा बताइए उन्होंने उठाया हो समाज के हित में, एक भी मुद्दा उठाया हो और किया। थैंक यू सो मच। पहले तृणमूल कांग्रेस जी, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने श्रीरामपुर वाल्स हॉस्पिटल को 350 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर सुनिए, मैं बता रहा हूँ, और
जहां तक वो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हुगली जिले का रिसड़ा मातृ सदन, यहां जितने भी दर्शक हैं सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप चलें, और हुगली जिले में ऐसा प्राइवेट नर्सिंग होम भी होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतना अच्छा मातृ सदन हॉस्पिटल जो रिसड़ा म्युनिसिपैलिटी का है, हमने बनाया है उसे, हमारी सरकार ने बनाई है। आपने बिल्डिंग बनाया है, उसमें सुविधा कुछ नहीं है, बेड परसों करके इंतजाम नहीं हो सकता है। आप बिल्डिंग बनाए, वो भी तब बनाए हैं जब हमने रोड पर घूमा है। मैंने दो माह रोड पर घूमा है, तब जाके आप लोग फीता काटे हैं, और कोई सुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिनके घर के दरवाजे बंद हो गए हों, कोरोना में जो घर में ताला बंद करके हो, आज बड़ी बड़ी बात करते हैं और लोगों का हमदर्द और मसीहा बन करके रास्ते में घूमते हैं। कोरोना काल में ममता दी पहली वो मुख्यमंत्री थी जो कोरोना एक्सप्रेस नाम देके मजदूर भाई लोग को बंगाल में वापस आने नहीं दी। आज ये क्या मजदूर का मुद्दा उठा रहे हैं? मैं आया। कैसी हैं आप? क्या मना छू भालो तो को बात बोलते जाओ। सामी तो बहुत बेसी बोले, खूब बोले। अच्छा, घर पे भी बोल पाते हैं कि नहीं बोले? नहीं, बहुत कम। घर में बहुत कम बोलते, बाहर बहुत बोलते हैं। अच्छा, घर में, रुको दादा, आप पोल खोल रही है तो परेशान हो रहे हो, तो घर में क्यों कम बोल पाते हैं? बेसी नहीं, कम। बाहर ज्यादा बोलता है, घर के अंदर कम। तो घर के अंदर कम क्यों बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए बेसी, घर में बेसी नहीं बोल। हम सास है, बहू है। अच्छा, बहू है। प्रणाम, क्या नाम है आपका? भानुमती। कुछ काम, क्या काम करती हैं आप? हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है। अच्छी, दादा बाहर तो इतना हल्ला मचाते हो आप, हैं? पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया था आपने, बची गया मेरा प्रोग्राम, वरना बंद कर रहा था मैं। बंगाल एक ऐसा भूमि है जी कि यहाँ पे देखिए, श्रीरामपुर क्षेत्र में बहुत फैक्ट्री है। हाँ। अभी कुछ चलता है, कुछ भामपन का टाइम से बंद है। हाँ। मगर बंगाल इतना सुंदर हम लोग का प्रोविंस है, राइट, कि जब छठ पूजा होता है, सबसे बड़ा हम लोग का जो छठ पूजा है, सबसे बड़ा जो छठ पूजा है, वो छठ पूजा में यूपी बिहार वाला हम लोग का साथ जो काम करता है, वो लोग अपना घर से वो लोग को बुला के यहाँ छठ पूजा करवाता है कि सुविधा सब कुछ है। अब दुर्गा पूजा का टाइम में यूपी बिहार उत्तर प्रदेश में जो लोग यहाँ काम करता है, नौकरी करते हैं, वो लोग अपना घर परिवार का आदमी को, परिवार को बुलाता है बंगाल में, बुला के एक हफ्ता पहले से रखता है, 15 दिन यहाँ रहता है। और दुर्गा पूजा इतना सुंदर से रात भर घूम के मस्ती लेता है वो लोग, जब बंगाल ऐसा दुर्गा पूजा और बंगाल ऐसा प्रवेश वो लोग देखा ही नहीं है। यही पश्चिम बंगाल की संस्कृति है कि भाषण के लिए भी हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है कि जहां की सरकार 2018 में दुर्गा पूजा करने वाले को 10,000 रुपया, 2019 में 25,000 रुपया और 2020 में 50,000 रुपया करके दी है। और बंगाल एक ऐसा सरकार है कि जहां छठ पूजा में 2 दिन की छुट्टी और हर तरह का, हर धर्म के लोगों को स्वतंत्र अधिकार है बंगाल में। जैसे भी पूजा होता, सुनिए, पैसे नहीं देने से भी मेरा पूजा होता, हम लोग का बंगाल का पूजा होता। दीदी को कौन बोला कि हम लोग को पैसे देने के लिए? दीदी को कौन बोला पैसे देने के लिए? ए, तुष्टिकरण राजनीति बंद होना चाहिए, हम लोग नहीं चाहते हैं तुष्टिकरण राजनीति। ठीक है, मैं आया। ना, दादा एक तो बात है, इस बार ना जब दुर्गा पूजा होगी तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर कोरोना सब सही रहा, संकट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस बार दुर्गा पूजा में आएंगे आपके यहाँ। अरे एक का 10 बात बोले, आप ही के आस आए हैं आज। ये जो भूमि में आप है ना, बाबा जगन्नाथ का भूमि है, 650 साल का पुराना मंदिर, जो परिस्थिति में था, एकमात्र बंगाल का ममता बनर्जी है जो अभी उसको जिस तरह से। ठीक है, मैं आ गया। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम हो गया? राकेश प्रसाद जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार में कहाँ से? गोपालगंज में। अच्छा, वो थावे का जो मंदिर है वहीं पे है ना? गजब है भाई। कहिए, कैसा क्या कहना चाहते हैं? बस दो ही बात।
बोलिए। तो मान लीजिए हाँ। यहाँ पे हम बहुत, हम भी 10-15 मिनट से सुन रहे हैं हाँ। हमने भी बहुत स्टेट घूमा है हाँ। कहाँ कहाँ घूमा? मुंबई गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, केरल गए, गोवा गए। काम क्या करते हैं आप? हम तो यहाँ जूट मिल में एक श्रमिक है। जूट मिल में श्रमिक है? तो जूट मिल चल रही है? नहीं, अभी हमारी 27 तारीख से बंद है, इसके पहले चल रही थी। चल रही। अब आप सवाल पूछिए। सवाल एक ही दो है हाँ। एक पहला सवाल हाँ। कि बंगाल में हाँ। हमने कहीं भी देखा है, मान लीजिए महाराष्ट्र देखा, गुजरात देखा, अदर कोई भी स्टेट हाँ। हर स्टेट में देखा है कि वहाँ पे क्षेत्रीय भावना बहुत ज्यादा है। वहाँ पे देखा बिहारियों को महाराष्ट्र से निकाला गया, कोरोना काल में गुजरात से बिहारियों को निकाला गया। हर स्टेट में हम देखते हैं, मैंने प्लस माइनस अगर देखा जाए तो 75% पूरा भारत का स्टेट में इस तरह की भावना है। एकमात्र बंगाल आप कह सकते हैं कि इस तरह की भावना ना पहले थी और दीदी के आने के बाद ये तो कतई नहीं हुई है। ये एक बात मानना है। और एक बात पार्थोदा कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ पार्थोदा, देखिए पहले बात तो ये है कि पश्चिम बंगाल में जो भी कल कारखाना है, जो चालू है, जो बंद है, सब हम लोगों ने बनाया। हम लोगों के जाने के बाद नया कुछ नहीं बना, बिगड़ा है। और दूसरा बात, उन्होंने जो कहा ये सही बात है, लेकिन वो सिर्फ दीदी के आने के बाद नहीं, ये बंगाल का इतिहास है, ये बंगाल का परंपरा है, ये बंगाल का परंपरा है, ये कोई आज का नया बात नहीं है। ममता बनर्जी अभी ये बाहरी बात को लेकर के इसको बिगाड़ा है। अभी परंपरा यही है कि इस बंगाल में भारत के हर राज्य से आदमी आते थे, लेकिन आज यहाँ का बंगाली बाहर जाके नौकरी कर रहा है, यही परंपरा है। मेरा एक प्रश्न है, जो नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में चुनाव के पहले आए, उन्होंने 100% वादा किया कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट कार्ड जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था, हम लोगों ने उसमें लगभग 90% किया, और बीजेपी की सरकार 6 वर्ष से ज़्यादा दिल्ली में है। हम ये पूछना चाहते हैं कि उसमें से क्या 15% से ज्यादा वो लोग कमिटमेंट रखे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए, 15 लाख रुपया जो देने का वादा किए थे वो दिए कि नहीं, 1000 रुपया गैस का दाम, 1000 रुपया गैस का दाम, 100 रुपया जो है पेट्रोल का दाम, और जो सरकारी संस्थाएं जो बिक रही हैं, और बैंक भी बिक जाएगा, और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, यही स्थिति है सामने। थैंक यू दादा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं दीदी, आ रहा हूं दीदी, आ रहा हूं। कोई वीडियो है आपके पास तो दिखा दीजिए, इस मंच में मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जो दिखा दीजिए तो आपको हर एक व्यक्ति का अकाउंट में 15-15 लाख घुस जाएगा। हाँ जी, पूरा देश बोलता है कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए के वादा किए थे। नहीं किया था, नहीं बोला था, नहीं बोला था, नहीं बोला था, बोला था, बोला था, नहीं बोला, नहीं बोला। तो अमित शाह जी किसको जुमला बोला था, जुमला किसको बोला था तब, अगर उन्होंने नहीं बोला था तो? मेरा कहने का ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, आवास योजना दिया, स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय दिया, उजाला योजना दिया, जन धन योजना दिया, उन्होंने अटल पेंशन योजना दिया, यहाँ पे जो इंश्योरेंस आयुष्मान भारत जिसको कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी, कृषक योजना जिसके अंतर्गत 6000 रुपए ममता बनर्जी जी। कुर्सी कुर्सी परेशान तो नहीं कर रही आपको? इसी के लिए सारी लड़ाई है। आया आया मैं आया। आया 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 कथाए चिलो कहा थे अभी तक कथाए कथाए दिख के खेला हवे बंगाल में खेला हवे बंगाल में खेला हवे एक तो वक्त अभी छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। ओप्पा जी मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन,
ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। थैंक यू सर। अच्छा इतना याद आता तुम्हें गाना? हाँ सर। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। और आपसे जो मेरी मुलाकात बंगाल में हुई है तो यकीन मानिए पूरे पश्चिम बंगाल में और वहां असम तक आप हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। देखिए मुझे मालूम है जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं, अगर मैं नहीं गया तो यहां से मेरे साथ ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मैं बिल्कुल आपके पास आना चाहता हूं। जी जनाब। जी सर, जब टीएमसी सरकार आई थी 2011 में, वहां पे बड़ा बड़ा बैनर लगा हुआ था कि बदला नॉय बदौल चाहिए, यानी बदला किसी से नहीं लेना है, बदल करना है सरकार जो सीपीएम का है उसको बदल करना है। लेकिन 2010 साल में बीजेपी के 131 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। अभी फिलहाल दो दिन पहले ही कुछ बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मंडल सभापति की हत्या हुई है। दादा एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत दुखद है चाहे उधर हो चाहे इधर हो, बहुत दुखद है। नहीं, कहीं पे भी हत्या नहीं होनी चाहिए। आज यूपी बिहार में आगे बहुत आतंक था, आज देखिए यूपी बिहार शांत है। मैं चाहता हूं कि चुनाव में कोई भी किसी को वोट दे, लेकिन शांति से मत। शांति से मैं आ रहा दादा, आ रहा। एक देश के ऊपर भी बोलना चाह रहा हूं। देश के ऊपर नहीं, एक क्वेश्चन करना हूं बीजेपी से कि बोलते हैं कि मोदी जी ये दिए वो दिए, हम पूछना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ फ्री में राशन मिलता है, बता दे कोई। पश्चिम बंगाल छोड़कर और कोई नहीं है, पश्चिम बंगाल छोड़कर कोई नहीं मिलता। हम बोल रहे हैं सर। अरे भाई, अरे ना ना ना, मोदी का पास मुंह बंद कर लीजिए, मुंह बंद। ये तरीका नहीं है सर। तरीका जब ये बोल रहे थे तब आपने अपना मुंह सिल लिया था, और जब ये बोलने लगे तो आपने मुंह ऐसे से कर लिया। ये नहीं है, ये तरीका नहीं। जी हाँ बोलिए। ये बोल रहे हैं दीदी दे रहे हैं पैसे, राशन दे रहे हैं, ये दीदी बोल रहे हैं दीदी दे रही है। दीदी कहाँ से दे रही है? अपने घर से, अपने घर से, अपने घर से दे रही है। घर से दे रही है, दिल्ली से पैसा आता है, दिल्ली से, ये दिल्ली से पैसा आता है। कोई नहीं बोल सकता यूपी बिहार में कहीं नहीं फ्री में मिलता है राशन, राशन मिलता है केवल पश्चिम यूपी बिहार में। कैसे हैं? बहुत अच्छे, आपके दया से बहुत अच्छे। मैं तृणमूल और बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, बात यहाँ रोजगार की होनी चाहिए। दादा 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 दादा, मैंने उनको मना किया ना, नोटबंदी रोजगार की बात होना चाहिए। अरे क्या काम करते हैं? हाँ क्या काम करते हैं? मैं ई रिक्शा टोटो चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? टोटो टोटो वो रिक्शा दोपहर को आपको लेकर। क्या बात है जी, यहाँ पे श्रीरामपुर में टोटो का बहुत खराब अवस्था है, सारे जगह का टोटो आके यहाँ पे चलता है। हम लोग कोई सिस्टम नहीं बना देते हैं, ना पुलिस ना देता। अच्छा, यहाँ खाने पे आफत हो गया है। रोजगार की कोई बात नहीं होता, रोजगार की रोजगार आ गया। आ गया वीडियो, आ गया जी। मैं आया जी श्रीरामपुर, पूरे विधानसभा में और पूरे बंगाल में शराब जगह जगह खुलेआम बिक रहा है, इसके लिए सरकार टीएमसी क्या करेगी? जगह जगह मिल रहा है जी। जी आ गया, आ गया। बोलो दीदी, आ गया। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा अच्छा है। বাংলা তো বলুন না, বাংলা এখন ভালো নেই, এখন অবস্থা খুব খারাপ। কালকে আমাদের দুজন কর্মীকে মেরে দিতে, পরশুদিন একজনকে মেরেছে, 141 জনের মধ্যে মারা গেছে। আচ্ছা যা, আমি আসছি 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 দাদা। আর আর দাঁড়া 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 বলুন না, আর আর কেমন আছো? ভালো স্যার। হ্যাঁ তো বলুন। ভালো স্যার, আমারা কোশ্চেন হ্যাঁ, জিতনে ভি লোক ইয়া হ্যাঁ কিসি সে কোই জো स्टेट के साथ समझे कि स्टेट के लिए कौन सा प्रोविंशियल स्टेट को कितना राइट्स है। अभी जो उनको इनकाउंटर कर रहे थे वो उनको खुद ये मालूम है कि सेंट्रल का क्या राइट्स है और स्टेट का कितना राइट्स होता है, ये मालूम नहीं है और जोर जोर से चिल्लाते हैं। मेरा क्वेश्चन है बीजेपी वालों से और यहाँ टीएमसी वालों से, जिसको एक साथ मैं विजय मूल बोलता हूँ सर, एक क्वेश्चन है कि आपके पास क्या एजेंडा है जिस राज्य में आपकी सरकार है, गुजरात और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में, वहां आपने पेट्रोल को कम नहीं कर पाया और इस राज्य को आपको ब्लेम करने का क्या राइट्स है? और दूसरा एक मेरा बात है सर, गैस का दाम
जिस राज्य में आपकी संपूर्ण सरकार है वहाँ भी आप नहीं दे पाए, गैस को दाम नहीं कर पाए, और यहाँ आप क्या एजेंडा लेके बोलते हैं कि सुनर बंगला बनाएंगे। तीसरा बात, 2 करोड़ नौकरी देने का, मेरे प्यारे साथियों 2 करोड़ नौकरी देने का तो अभी पूछ रहे थे ना आप, हम वीडियो शो कर देंगे, अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। आपके प्रधानमंत्री दामोदर नहीं, सबके आपके भी हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय सर, माननीय दामोदर, सुनिए खड़े रहोगे नहीं तो मैं आऊंगा नहीं। 1-2 करोड़ नौकरी देने का वो वादा किए हर साल, और आज हर सरकारी चीज को वो प्राइवेट करते जा रहे हैं। मैं आया आया दीदी आया, बोलिए खड़े होइए जी। दीपक को पार्टी बोल रहे थे ना कि मोदी जी पुनः लाभ देने का वादा किया था, मोदी जी हम बोलते हैं कि मोदी जी कब बोला था, जब काला धन लाया जाएगा ना सब पूरा, तब सब आदमी को 15 लाख दे देंगे। जब सारा काला धन आ जाएगा तो सबको 15 लाख मिल जाएगा। हाँ मोदी जी बोला विदेश में जो रुपया यहाँ का मंत्री लोग जो चुरी किया है विदेश में, वहाँ पर यहाँ पर जब आएगा तब सब। अरे भाई रुको, एक मिनट रुको भाई, आप अगर चुप नहीं रहेंगे तो मैं मोशन, दादा दादा प्लीज साइलेंस साइलेंस बोशो प्लीज। क्या ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है आपका, आप एक मिनट चुप तो हो सकते हैं ना। हाँ तो आप कह रहे हैं कि जब सारा काला धन आ जाएगा तो, जब सारा काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख लो सब सबको देंगे। अच्छा सबका 15-15 लाख रुपए। अरे भाई देखो बाबा रामदेव की दुकान खुली है ना अभी। हाँ बाबा रामदेव की दुकान खुली है। हाँ वो देखो सामने दिख रही। आ जाओ, मैं आ रहा सर। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि रोजगार के बारे में दूसरों को आंचल लगा रही है वो, और हम 3 साल पहले 2018 में SSGT का फॉर्म आया था, उसको कंप्लीट करने में 3 साल लगे बीजेपी सरकार को। जिया जिया। सारे ये भाई कितनों के एज खत्म हो चुके सर, आज जो सुसाइड कर रहे हैं सारे, धरना भी दिया अभी फिलहाल संसद में। INS कांग्रेस के एक नेता, उन्होंने संसद में सवाल उठाया SSGT के लिए, और जो जिनके एज खत्म हो चुके वो हुआ कहाँ जाएंगे, वो युवा कहाँ जाएंगे। हम बोल रहे हैं रोजगार का यहाँ बात हो रहा है, हम 3 साल से बेरोजगार हुए हैं, आदित्य बिरला इंसुलेटर यहीं जयश्री है उसका हम वर्कर हैं, 3 साल से हमको बाद कर दिया गया, मोटा मोटी 12 बरस से हम नौकरी कर रहे थे वहाँ पर। रोजगार की बात जी, मैं आया जी। हाँ 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 जी बोलिए बोलिए। हमी बोलची दीदी के माने की, दीदी माने भाई बोन सबाई के भलो रखबे, और जदि सेटाई होय ताले आमादेर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को ढुकते दितो, एवं दीदीर साथी जे स्वास्थ्य साथी सेटाओ जदि ढुकतो ताले लोक 10 लाख टाका पेतो, किंतु মমতা দিদি নিজের ইমেজ রক্ষা করার জন্য পশ্চিম বাংলার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মানুষকে যে ভালোবাসে। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन मैं छोड़े जाता हूँ तुम पर जी। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा।